फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अभी कैसे प्रूफ करें, तो ये हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका जो एल एच एस है उसको हम लेके चलते हैं। क्या है देखो जरा, इसका एल एच एस है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से चेक करिएगा, हमने क्या किया, 2a से डिवाइड किया, 2a से मल्टीप्लाई, 2a से डिवाइड, 2a से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 1 अपॉन 2a बाहर आ गया क्योंकि a कांस्टेंट है। 2a से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और 2a से देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो वापस से ऐसा ही मिल जाएगा आपको, ठीक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दो बच्चों, 2a को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a प्लस एक्स, सॉरी इसको आप लिख सकते हो 2a को a प्लस ए। अरे भाई a प्लस ए क्या होता है, 2a तो होता है। अब क्या करेंगे, अब आप इसमें एक काम करिए बच्चों, क्या आप x ऐड कर दीजिए और x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एडिंग x एंड सब्ट्रैक्टिंग x, देखो a प्लस ए 2a, x x कैंसिल हो जाएगा वापस 2a आ जाएगा, लेकिन हमने अपना काम बनाने के लिए a ऐड किया, सॉरी a ऐड किया कह रहा हूँ, 2a को a प्लस ए लिखा, x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ऐसा जब हमने कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान यहाँ पर ये देना है कि देखिए यहाँ पे हमने ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले लगा लीजिए आप, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा कुछ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस ए या ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। अब नीचे से देख के आप ऊपर इसको एडजस्ट करिए, ठीक है, x माइनस ए और x प्लस ए होना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह a, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ नीचे से आप क्या देख रहे हो, नीचे आप x माइनस ए देख रहे हो, है ना, तो आप कोशिश करिए कि ऊपर भी आपको क्या मिले, x माइनस ए मिले। अब ये x माइनस ए कैसे मिले, देखो x प्लस ए तो मिल जाएगा कैसे, ये वाला a और ये वाला x, a पॉजिटिव x पॉजिटिव, इन दोनों को पास पास ले आओ, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए हो जाएगा ये, यहाँ से तो चलो बात बन गई, ये हो गया x प्लस ए, ठीक है। इसको और इसको देखो जरा, ये क्या लिखा है माइनस एक्स और ये क्या लिखा है प्लस ए, तो अगर हम इसको कॉपी करें प्लस ए और माइनस एक्स ऐसे करें, आपकी बात बन नहीं रही है, ये ए माइनस एक्स है और ये एक्स माइनस ए है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ध्यान से चेक करो, ए माइनस एक्स से बच्चों माइनस कॉमन ले लोगे यदि आप, तो क्या हो जाएगा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और अंदर a माइनस एक्स की जगह आपके पास x माइनस ए बच जाएगा, तो यहाँ हो गया आपके पास क्या x माइनस ए, और अगर आप ये ब्रैकेट खोल वोल दो ओपन वोपन कर दो वापस से, तो x से माइनस एक्स कैंसिल होगा और a प्लस ए वापस से कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, मतलब ऐसा ही हो जाएगा। तो हमने अपना काम बनाने के लिए ऐसा कुछ बच्चों कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो नीचे ये दोनों प्रोडक्ट में x माइनस है और x प्लस है, तो इस पूरे को इसको भी दो फिर माइनस लगाओ और इस पूरे को इसको भी दो, मतलब जैसा कि हम पहले भी करते थे। तो सपोज ये हो जाएगा अब आपके पास कितना 1 अपॉन 2a और इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 2a और इंटीग्रेशन ऑफ इन द ब्रैकेट x प्लस ए अपॉन, ध्यान दें स्टूडेंट्स, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए और इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, ये वाला माइनस यहाँ लगाया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन में क्या, अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, ये ए है बी गलती से लिख दिया मैंने, एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस ए बचा और माइनस यहाँ पे बचा 1 अपॉन, देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 ही तो बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ए, 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। ये ऐसा कुछ बच्चों अब आपके पास हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप चाहो तो यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो क्योंकि 1 अपॉन 2a पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब क्या करें, इतना आप कॉपी कर लीजिए पहले, कर लीजिए, चलो अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, फाइनल आंसर आ जाएगा, बस हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a
इन द ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले 1 अपॉन x माइनस a का इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस a और साथ में dx, फिर माइनस लगा देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस a, तो 1 अपॉन x प्लस a का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और साथ में क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, और अब देखो बच्चों 1 अपॉन x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 अपॉन x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, log ऑफ मॉड ऑफ x होता, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, सही है, यही तो होगा। अब प्लस एक कॉन्स्टेंट c1 आएगा जिसको भी हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में कॉन्स्टेंट c लिख देंगे, ठीक है, फिर माइनस। अच्छा हाँ एक चीज़ और ध्यान दें, ये x माइनस a जो है, ये ध्यान से करो, x माइनस a x का लीनियर पॉलिनोमियल है, x में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x का कोफिशियंट से इस पूरे में डिवाइड लगाएंगे, x का कोफिशियंट क्या है 1, तो 1 से पूरे में डिवाइड लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 अपॉन x प्लस a का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a होगा, और x प्लस a ये x में लीनियर पॉलिनोमियल है तो x के कोफिशियंट 1 से डिवाइड लगाएंगे जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और प्लस c हमने बाहर कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a इन द ब्रैकेट, देखो लॉग ऑफ m, ये पूरा m है, ये पूरा मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है ना x माइनस है, तो मॉड ऑफ x माइनस है ये m है, और मॉड ऑफ x प्लस a ये n है, तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n क्या होता है, लॉग m बाय n, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ m बाय n, m का मतलब मॉड ऑफ x माइनस है अपॉन n का मतलब लॉग m अपॉन n, लॉग ऑफ m अपॉन n, तो ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस है अपॉन मॉड ऑफ x प्लस a और प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 अपॉन 2a इस लॉग वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, तो 1 अपॉन 2a इनटू लॉग ऑफ, और लॉग की बेस e है, आपको पता है कि कैलकुलस में बेस e रहती है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये मॉड ऊपर भी लगा है नीचे भी, तो अगर आपके पास कहीं ऐसा मॉड ऑफ m बाय मॉड ऑफ n, तो आप इसको लिख सकते हो m बाय n का होल मॉड, तो हमने लिख दिया इसको m बाय n का होल मॉड, यानी कि x माइनस a अपॉन x प्लस a का होल मॉड और प्लस c, यही लेके आना था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड किया था, यहाँ 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड, फिर x ऐड किया x सब्ट्रैक्ट किया, बच्चे बोलते सर आपने कैसे सोचा, तो सुनो एक टॉपिक है आगे चल के आप पढ़ोगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो एक्चुअल में हम इसको चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, बट वो अभी हमने पढ़ा नहीं तो हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे, आया वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही है, ठीक है ना, वो हम आगे देखेंगे, उसकी आप टेंशन ना लो, अभी आप ऐसे ही करो।